महिला के ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज नगर में महिला थाने के पास दुर्गा पॉलीक्लिनिक में 8 दिन पहले कुमारी देवी, पति सीताराम, रामगढ़ की रहने वाली कुमारी देवी, उम्र 35 वर्ष, जिसका ऑपरेशन यानी सफैया 8 दिन पहले दुर्गा पॉलीक्लिनिक के प्रबंधक सुनील कुमार यादव डॉक्टर द्वारा सफाई की गई। ऑपरेशन के दौरान उसका बच्चेदानी एवं हाथ की नस काट दी गई है। उसके पेट से गंदगी निकल रही है, जिससे उस महिला की हालत खराब देख घर वाले श्रेया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। नगर में आए दिन हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इस दुर्गा पॉलीक्लिनिक में पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटना हो चुकी है। 2 से 3 बार हॉस्पिटल को सील कराने के बाद भी खोल दिया गया। इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही डिग्री धारक डॉक्टर हैं। मरीज के घर वालों का कहना है कि जब कोतवाली में हम कंप्लेन करने गए तो वहां पुलिस द्वारा 20,000 रुपये लेकर मामला खत्म करने को कहा गया। कराने आई थी, उसमें उनके परिजनों का कहना है कि कुछ लापरवाही हुई, जिससे उनके जो टाइम है क्षतिग्रस्त हो गया, यहाँ से रिफर हुआ। अपने संचालक जो यहाँ के हैं वो इस वक्त यहाँ उपस्थित नहीं, फोन से बुलाया जा रहा है तो आए नहीं अभी, और महिला दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर दी गई है, वहाँ एडमिट है। अब यहाँ पे अभी एक मिले हैं, BMS हैं, ये उनका कहना OPD देखते हैं, बाकी कोई डॉक्टर और कोई मिला नहीं है। जब यहाँ कोई आवे तो उससे फिर देखा जाएगा कि इनकी पेडिग्री है कि नहीं। क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? इनकी ओर से तहरीर दी गई है, नियमानुसार FIR दर्ज करवाई जाएगी, और इनके अलावा अगर ये तहरीर देते हैं तो उसमें कोर्ट भी गठित होगा। हॉस्पिटल सीज किया जा रहा है? नहीं, हॉस्पिटल भी सीज किया जा रहा है। तो उसमें जो है उसका नुकसान तो बहुत हुआ है। अब ये जो मालिक है ये है, इसको बुलाए, पूरा इलाज का खर्चा, तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई विभागी हो तो होगी। FIR जो भी होना हो बंद हो गया, और ये उसका पूरा खर्चा दे, बस यही करा दे, सब मामला खत्म, पूरा इलाज का खर्चा और कंपनसेशन जो होता है वो पूरा खर्चा। बाकी मैं अपने विभाग में, अब चूँकि CMO साहब नहीं, मीटिंग है लखनऊ, वो मिलते तो हम उनके सामने भी रखेंगे प्रस्ताव कि इसको इधर से कोई सहायता अगर कहीं है, क्योंकि वो हम लोग को जानकारी नहीं होती है कि हमारे स्तर से नहीं है, जिला स्तर से, DM स्तर से कहीं से अगर उसको हेल्प मिलने लायक होगी तो हम अपने स्तर से प्रयास करें। अब प्रशासन अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है, या पैसे लेकर मामले को सुलटाया जाता है, आखिर कब तक गरीब जनता को लूटा जाएगा? खबर जगत 24 न्यूज सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट।